गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सारणिकों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्र देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यदि हमने एक सारणिक लिया A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, हमने एक सारणिक लिया, इसमें जो रो हैं, पंक्तियां, उनको हम स्तंभ में बदल दें और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें। तो आप बदलेंगे तो क्या देखते हैं, यह पंक्ति जो है इसको हमने क्या किया, स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति को हमने दूसरा स्तंभ दे दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो इस सारणिक का मान वही होगा जो इसका है, यानी इसका मान भी डेल्टा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमने एक सारणिक लिया A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, तो हम इसकी कोई दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दें, इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, तो इसका मान कितना आ जाएगा, A1, A2 हो जाएगा, B2 और C2, A1, B1, C1, A3, B3, C3। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमने सेकंड कॉलम को पहले कर दिया और पहले फर्स्ट जो कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, सेकंड, और इस जो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, सेकंड वाला फर्स्ट कर दिया और फर्स्ट वाला सेकंड कर दिया। इस सारणिक का जो मान होगा पहले वाले सारणिक के मान से चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसका मान यदि डेल्टा था तो इसका मान हो जाएगा -डेल्टा। तो इसका मान और इसके मान में क्या अंतर है कि यदि हमने दो कॉलम या दो पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं तो सारणिक के मान में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। यदि सारणिक पहले धनात्मक था तो ये वाला सारणिक ऋणात्मक होगा, और यदि पहला वाला ऋणात्मक था तो दूसरा धनात्मक हो जाएगा। अब यहां देखिए, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां समान है तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल, यदि हमने एक सारणिक लेके चलते हैं A1, A1, A2, B1, B1, B2, C1, C1, C2, हम क्या देखते हैं कि इसमें दो कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2, दोनों कैसे हैं, यदि दोनों कॉलम जो है कैसे हैं, समान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि हमने इनकी दो कॉलम को आपस में क्या किया, परिवर्तित किया, कॉलम 1 तथा कॉलम 2 को परिवर्तित करते हैं करने पर,
तो परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा, जो सारणिक है उसका मान चिन्ह बदल जाएगा। तो हम जब दोनों इस दोनों कॉलम को बदलते हैं, तो जब दोनों कॉलम को बदलते हैं तो हमको क्या मान मिलता है, वही मान मिलेगा A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। हमने कॉलम को बदल जरूर दिया है, लेकिन चूंकि दोनों कॉलम एक से थे इसलिए मान अपरिवर्तित दिख रहा है। लेकिन गुणधर्म नियम में बताया है कि यदि हम दो कॉलम या दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी कि इसका मान कितना प्राप्त होना चाहिए हमको, माइनस डेल्टा। कितना मिलना चाहिए, माइनस डेल्टा। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा बराबर कर देंगे तो 2 डेल्टा बराबर 0, इसका मतलब डेल्टा बराबर 0। तो हमको इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सारणी का मान 0 होगा। यदि दो पंक्तियों को या दो स्तंभ को आपस में बदल देते हैं तो सारणी का मान 0 होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट गुणधर्म पर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करें तो उसका मान भी k से गुणित हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ डेल्टा, तो यदि इसमें एक अचर का गुणा करते हैं k का, तो हमको यह जो मान मिलेगा डेल्टा वन बराबर कितना है, k a1 k b1 k c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यह जो मान है वो इसमें से k बाहर निकल गया, क्या बचेगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यह जो मान किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू डेल्टा के। तो यदि हम किसी अचर राशि का किसी सारणी में गुणा करना चाहें तो उस अचर राशि का किसी भी एक पंक्ति में या एक कॉलम में गुणा करने पर वह इसके बराबर हो जाएगा, के डेल्टा के। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो आप यहां देखेंगे कि हमने यहां पर लेके चल रहे हैं a1 प्लस डेल्टा वन, a2 प्लस डेल्टा टू, a3 प्लस डेल्टा थ्री, b1 b2 b3, c1 c2 c3। यह जो मान है किसके बराबर हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और दूसरा डिटरमिनेंट हो जाएगा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इन दोनों में चूंकि दो पंक्तियां एक सी थी और कॉलम में दो पदों का योगफल था, तो यह जो मान है वो दो डिटरमिनेंट के योग के बराबर इस प्रकार से होगा। इसको आप प्रैक्टिस कर लें, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना पड़ेंगे। हम अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। कि यदि हम यह डिटरमिनेंट है इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ डेल्टा वन इक्वल टू दिया हुआ है a1 प्लस k c1, a2 प्लस k c2, a3 प्लस k c3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। इसको हम जब उसको दो अलग अलग टर्म्स में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1
के वन के इंटू सी वन सी टू सी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। तो हम ये देखते हैं यह किसके इक्वल है, डेल्टा के और के इंटू, और इसमें हम देखते हैं कि दो पंक्तियां एक सी हैं, इसलिए इसका मान कैसा हो जाएगा, जीरो के इंटू जीरो, इसका मान कितना आ जाएगा, डेल्टा के बराबर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति में कोई भी अचर राशि का गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ देते हैं तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, यह इससे निष्कर्ष निकलता है, हमने इसको करके चेक कर लिया है। ठीक है, अब हम अगले अब हम प्रश्नावली 4.2 पर आते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन इसको करके देखते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसको अगर सॉल्व करें तो हम डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी बताई है उसके अनुसार इसका मान x, y, z, a, b, c, इसको दो डिटरमिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, प्लस x, y, z, a, b, c, a, b, c। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इसके दो कॉलम कैसे हैं, समान है, और यहां पर भी यह दो कॉलम समान है, और हमको पता है कि किसी भी सारणी के दो कॉलम या दो रो, दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो इसके मान कितने हो जाएंगे, पहले का भी जीरो रहेगा, दूसरे का भी जीरो, और ये टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी इसका आंसर कितना होगा, जीरो। इसी प्रकार से आप दूसरा और तीसरा भी कर सकते हैं, इसमें आपको सारणी की जो प्रॉपर्टी हमने लिखाई है उनका उपयोग करके आपको करना है, और बहुत ही सिंपल है, इसको करिए और हमसे चेक कराइए। थैंक यू।